दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट मुकाबले से ठीक पहले भारतीय टीम को मिली अचानक से एक के साथ दोस्तों तीन तीन बड़ी खुशखबरी, जिसके बाद भारतीय टीम का पांचवा टेस्ट मुकाबला जीतना अब 100% पक्का हो चुका है। तो आपको बताएंगे पूरी जानकारी दोस्तों, कौन सी तीन बड़ी खुशखबरी मिली है भारतीय टीम को। लेकिन आप भी भारतीय टीम के फैंस हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच फिलहाल 5 मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है। पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को दोस्तों 28 रनों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं दोस्तों तीनों मुकाबले में भारतीय टीम ने दोस्तों इस सीरीज पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें तो 4 मुकाबले जब खेले गए, जहां पर भारतीय टीम ने दोस्तों 3-1 से सीरीज पे यहां पे कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि टेस्ट मुकाबला जो अब दोस्तों यहां पे पांचवा मुकाबला खेला जाएगा, वो आपको बता दें 7 मार्च से लेकर के 11 मार्च के बीच में खेला जाएगा और यह धर्मशाला के मैदान पर होगा। आपको बता दें भारतीय समय अनुसार आपका 9 बजे मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा। आपको बताया दोस्तों, तीन सबसे बड़े खिलाड़ियों की वापसी लगभग तय है। दोबारा जसप्रीत बुमराह को लेकर के दोस्तों आराम दिया गया था चौथे टेस्ट मुकाबले में, अब उनका पांचवे टेस्ट मुकाबले में वापसी है दोस्तों। वहीं आकाशदीप सिंह को अब आराम दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने डेब्यू किया था। तो दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं जो वापसी कर रहे हैं, तो पांचवे टेस्ट में उनका नाम किंग कोहली जैसे आपको बता दे तो काट दिया गया है। आपको बता दें फिलहाल खबर सुनने में आ रही है कि विराट कोहली भी पांचवे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ वापसी करेंगे धर्मशाला के मैदान पर। और वहीं तीसरे दोस्तों जो बड़े खिलाड़ी हैं पांचवे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ नजर आएंगे दोस्तों केएल राहुल। आपको बता दें विकेट कीपर दोस्तों केएल राहुल पांचवे टेस्ट मुकाबले खेलते हुए नजर आएंगे इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि आपको बता दें कि अब केएल राहुल अब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और इनकी तीनों लोगों की दोस्तों टीम में वापसी होगी जो पांचवे टेस्ट मुकाबले में। और भारतीय टीम को दोस्तों यहां पे जीतना होगा 4-1 से इस सीरीज को। तो आप लोग की क्या राय है कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।